राज्य में स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने सरकार को राय दी है कि अगस्त में स्कूल नहीं खुले। कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों को पूरी तरह से आंकने और बच्चों की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होने के बाद ही स्कूल खोलने के निर्णय लिए जाएं। प्रदेश के स्कूली बच्चों के अभिभावकों की राय से केंद्र को राज्य सरकार अवगत कराएगी। दरअसल केंद्र ने राज्यों से कहा था कि वह स्कूली बच्चों के अभिभावकों से राय लेकर पढ़ाई के लिए स्कूल कब से खोले जाएं, अगस्त से, सितंबर से या अक्टूबर से। इन सवालों पर अभिभावकों की राय लेकर केंद्र ने राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। इसके मद्देनजर ही अभिभावकों की राय ली गई है। अभिभावकों की राय पर केंद्रित रिपोर्ट केंद्र को सौंपने की तैयारी है। अभिभावकों ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि उनके लिए स्कूलों में अपने बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। हर दृष्टि से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही स्कूल खोले जाएं। स्कूल खोलते समय स्थानीय परिवेश और परिस्थितियों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिए जाएं। स्कूल खोलने और बंद करने के समय, स्कूल अवधि, मध्याह्न भोजन योजना के संचालन, आउटडोर कक्षाओं का संचालन, स्कूल का पाली में संचालन एवं कक्षा की अवधि पर भी अभिभावकों के राय लिए गए हैं। कोरोना को लेकर स्कूलों में छात्रों, शिक्षकों एवं प्रशासकों के लिए अनुशासनिक सीमाएं तय करने तथा थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही स्कूलों में आगंतुकों को प्रवेश देने के अभिभावकों के सुझाव हैं। अभिभावकों की राय है कि स्कूल जब खुले तो छात्रों द्वारा असेंबली एवं प्रार्थना का आयोजन नहीं किए जाए। उच्च स्तरीय स्कूल प्रणाली के भी सुझाव आए हैं। ऐसे सुझावों में वर्चुअल क्लासरूम एवं ICT व्यवस्था भी शामिल है। स्कूलों को अपने परिसर में स्वस्थ परिवेश विकसित करने एवं बच्चों को स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर सुविधाएं देने के सुझाव भी अभिभावकों के हैं। अभिभावकों ने कहा है कि खासकर पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल सरकार के आदेश के बाद ही खुले, साथ ऐसी व्यवस्था हो कि प्राइवेट स्कूलों पर सरकार का नियंत्रण रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं पिरू आपसे फिर मिलूंगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें। जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।